नमस्कार दोस्तों, आईएस प्रेप पर आपका स्वागत है। हम बीच में आपसे नहीं मिल पाए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वायरल फीवर था, बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द और बुखार। खैर अब मैं सही हो रहा हूँ आपसे फिर से, वैसे ही जैसे भी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे करेंगे। कक्षा 8 की भूगोल की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे थे, उसका पहला चैप्टर हो चुका था। आज हम दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी जो एग्जामिनेशन हॉल की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट करते चलिएगा। आइए देखते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप पढ़िएगा। इसमें मांबा के बारे में कुछ दिया हुआ है, ऐसे पीटर के बारे में, तो ये कहानी अच्छी होती है, आप इसको कई जगह उपयोग भी कर सकते हैं, याद रखने में मदद करती है। आइए देखते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ऐसे 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या रहती है या फिर निर्जन, यानी कि अगर ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पे केवल 30% भाग पे, इतने भाग पे केवल जनसंख्या समझ लीजिए रहती है, और ये सब और ये वीरान पड़ा है या विरल जनसंख्या छुटपुट इसमें पाई जाती है। संसाधन के तौर पर आइए देखते हैं, सबसे पहले भूमि संसाधन। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% वही गया यहीं पे, यहाँ पे ही काम करेगा, जो ये हमने डायग्राम बनाया था वही। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। यहाँ भी 30% में भी सब कहीं थोड़ी रहते हैं, आप देखिए ना, एक जगह गांव मिलेगा, एक जगह शहर मिलेगा, बीच में बहुत सारा खाली मिलता है। ऐसे पहाड़ी एरियाज खाली मिलते हैं, मरुस्थल बहुत सारे हैं जो खाली मिलते हैं, तो जहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियां पाई जाएंगी जहाँ पे स्थलाकृति सही हो, ढाल ठीक ठाक हो। अब पता चला पहाड़ी ढाल पे बहुत तीखा ढाल है, तीव्र ढाल पे कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बाढ़ वाले बालगढ़ क्षेत्रों में रहने से लोग कतराते हैं, कतराते क्या है, वहां पे क्यों रहेंगे, वहां पे ना कुछ पैदा होगा ना वहां पे सामान्य जीवन आदमी जी सकता है, तो कैसे रहेगा, सॉरी। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि ये जो आवासीय पैटर्न है, जो जनसंख्या का बसाव है, वो इसी तरह से निर्धारित होता है। ओरोर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र है। जैसे गंगा की घाटी है, अब गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में सबसे ज्यादा लोग इसलिए रह रहे हैं, गंगा की घाटी उपजाऊ है, यहाँ पे समतल मैदान है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वहां पे रहा ना जा सके, कुछ एरिया अफेक्टेड है जिनपे लोग अपना व्यवस्था कर लेते हैं। आइए भूमि उपयोग के बारे में देखते हैं, तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, सड़क के लिए, उद्योग स्थापना के लिए, तो इसी को साधारणतः भूमि उपयोग कह देते हैं। सॉरी अभी भी खांसी आ जाती है मुझे। तो विश्व स्तर पर अगर इसका देखा जाए उपयोग, तो देखिए ये चार कैटेगरी में इन्होंने बांटा है कि फसल भूमि, चारागाह, वन और अन्न उपयोग। तो इसमें भारत की स्थिति देखें तो भारत में फसल भूमि सबसे ज्यादा देखो 57% पाई जाती है। ऑस्ट्रिया में देखें तो चारागाह सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऐसे ही जापान में वन भूमि सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। कभी कभी करंट के आधार पर यह प्रश्न पूछता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जापान इस लिस्ट में तो जापान है लेकिन करंट में हो सकता है कहीं नया डेटा आया हो तो नए देश कोई शामिल हो सकता है, तो करंट से इसको अपडेट रखना होता है हम लोगों को। और ऐसे ही कनाडा में अन्य भूमि उपयोग के अंतर्गत सबसे ज्यादा जमीन पाई जाती है। अब आइए देखते हैं भूमि उपयोग के बारे में। तो भूमि का उपयोग जो है, तो ये भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भौतिक कारक है स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक कौन कौन से हैं, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है या प्रौद्योगिकी हमारी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, भूमि उपयोग में परिवर्तन आता चला जा रहा है। इसी प्रकार से निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर ही हम भूमि को बांट सकते हैं। निजी भूमि मतलब किसी एक का स्वामित्व, सामुदायिक भूमि मतलब समूह में सबका स्वामित्व, जैसे चारागाह, नट, औषधि, इन पे किसी एक का स्वामित्व तो होता नहीं है, जंगली पौधे हैं तो उनमें सबका सामूहिक स्वामित्व होता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब भूमि तो बढ़ नहीं रही है लेकिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, डिमांड ज्यादा होती जा रही है, ऐसे ही दबाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले शहर छोटे हुआ करते थे, अब बड़े बड़े शहर होने लगे हैं, छोटे शहर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और खेती वाली जमीन भी बढ़ी तो है नहीं लेकिन हमारी जो अनाज की आवश्यकताएं हैं वो बढ़ गई हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन,
मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। देखो ये इम्पोर्टेंट है कि कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूमि संसाधन का संरक्षण हम कैसे करें, इसको पढ़ने से पहले आइए हम पढ़ लेते हैं कि ये भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन देखिए इन्होंने बहुत सिंपल बताया है कि भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्रायः भूकंप बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। यानी कि कोई एरिया है वहां पे भूकंप आया, बाढ़ आया, ज्वालामुखी आया और मिट्टी का या पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा कट के वहां से गिरा और आगे जाके वो कहीं पे रुक के जाम हो गया। अब नदी निकल रही थी तो वो नदी को के प्रवाह को रोक देगा, क्योंकि ये बहुत छोटा नहीं बड़ा बड़ा होता है, अगर रोका तो इधर उधर बाढ़ आ जाएगी, है ना, जहां गिरेगा वहां पे तहस नहस करेगा, जानमाल की हानि करेगा, तो इसलिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। अब इनको न्यूनीकरण की विधि क्या होती है, कैसे इसको न्यूनीकरण किया जाए, ठीक है। तो इसको आप देखिए कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाया जाए, है ना, उनको खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार बनाई जा सकती है, जैसे ये देखो इन्होंने बनाई है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण लगा दिया जाए। सतही अपवाह झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जा सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं। आइए हम देख लेते हैं अपक्षय, एक शब्द आया है इसका भी आगे उपयोग होगा। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्य तथा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना, है ना। तापमान में परिवर्तन होने से पौधों के कारण, यानी जड़ें जब तोड़ देती हैं चीजों को, तो उनका टूटना और क्षय हो जाना, इसको अपक्षय कहते हैं। मृदा के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। ये देखिए मृदा परिच्छेदिका दी हुई है, इसमें ये पैरेंट रॉक, जनक चट्टाने, अपक्षयी चट्टाने पदार्थ, वालू, क्ले, गाद के साथ उपमृदा और ह्यूमस वनस्पति और मृदा के साथ ऊपरी मृदा। तो यहाँ पे जो हम खेती करते हैं वो यहीं पे हम कोई चीज लगाते हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। देखो ये यहाँ पे एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। अब हम देखें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ पर भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। और जो अभी अपक्षय क्रिया पड़ी थी ना, ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी मृदा अपक्षय प्रक्रिया माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण इनका होगा तो मृदा को उपजाऊ बनाता है। जैसे ये मृदा है तो इसमें जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। जनक शैल जो है, ठीक है ना, जैसी जनक शैल होगी वैसे उसका ये सारा चीजें होंगी। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता यानी कि कितनी ऊंचाई पे मृदा पाई जाती है, और उसका कितनी ढाल है मृदा की, मतलब पहाड़ी ढाल पे पाई जाने वाली मृदा, समतल मैदान में पाई जाने वाली मृदा, ऊबड़ खाबड़ जगह पे पाई जाने वाली मृदा, तो इससे क्या निर्धारित होता है, मृदा के संचय को, यानी कि उसमें जो संचित पदार्थ है उनको निर्धारित करती है। बृहस्पति जाति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, है ना। कैसी वनस्पति पाई जाती है, प्राणी कैसे पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव उसमें कैसे हैं, तो ये ह्यूमस निर्माण को की दर को। और समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित, जितना ज्यादा समय मिलेगा उतनी मोटी परिच्छेदिका बनेगी, नहीं ज्यादा मोटी परिच्छेदिका हो जाएगी, जाहिर सी बात है। जलवायु, तापमान, वर्षा अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को जलवायु, तापमान और वर्षा निर्धारित करते हैं। तो ये सारे कारक हैं, एक बार इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे हम देखते हैं मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से होते हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है, अभी आपने पढ़ा ही है। निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति है, जो पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग स्थान पर ये भिन्न भिन्न होगा। अब आइए बात करते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण जो हो रहा है, संरक्षण करने के उपाय, यानी कि मृदा का निम्नीकरण तो हो रहा है, अब इसको कैसे संरक्षित किया जाए। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। जैसे वनोन्मूलन हो गया, यानी कि वनों को काट दिया गया, या खूब ज्यादा अत्यधिक मात्रा में चराई हो गई, खूब हम खादों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे मृदा का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। मृदा जो उसके अपने गुण को खोने लगती है,
इसके अलावा वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ से भी समस्याएं होती हैं। अब कैसे संरक्षण किया जाए मृदा का, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसमें दिया हुआ है मल्च बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक लाइन में आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। पौधों के बीच की जो अनावरित भूमि होती है उसको प्रवाल से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता क्या है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, यानी उसमें नमी बरकरार रहती है। अगला है वेदिका फार्म, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो सकता है। ये मान लीजिए कोई पहाड़ है तो उसकी ये ढाल है, तो इस पे ऐसे ऐसे इसको बना दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो जगह मिल रही है ना, यहाँ पे खेती की जाती है। भाई ढाल पे ऐसे कैसे करेंगे खेती, तो इस पे खेती करने के लिए ये हो जाता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो एक पहाड़ी ढाल है कोई, जैसे ये ढाल है, तो इसमें समानांतर ऐसे ऐसे जुताई कर देंगे तो जो भी जल आएगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये रुकेगा, कटाव भी इससे रुकेगा। तो ये समुच्च रेखीय जुताई हो गई आपकी। नेक्स्ट दिया हुआ है रक्षक मेखलाएं, ये देखिए रक्षक मेखलाओं की ये फोटोग्राफ है। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो रक्षक मेखलाओं के बाद में हम आइए देखते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएं। तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास या मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, या नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, आप ध्यान रखिएगा। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई दी जाती हैं, है ना। जैसे कोई ऐसा पेड़ है ज्यादा समय में तैयार होने वाला है, कोई फसल ऐसी है सॉरी, तो उसके बीच में दूसरा लगा दिए जो कम समय में तैयार होने वाला है, इस तरह से कर दिया जाता है। आइए जल के बारे में, जल भी संसाधन हमारा महत्वपूर्ण संसाधन है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष थी, और 2000 में ये 6000 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष। अब तो 2017 चल रहा है, और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। तो 3/4 भाग जल से हमारा ढका है, इसीलिए इसको जल ग्रह कहते हैं, वाटर प्लेनेट कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि जीवन कहाँ प्रारंभ हुआ, महासागरों में, तो ये सही बात है। यदि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए वो उपयोग नहीं है। हम महासागरों का जल न पी सकते हैं, न उसका कोई और उपयोग कर सकते हैं। अब अलवण जल केवल 2.7% है, यानी कि जो अलवण जल है वो केवल टोटल जल का 2.7% है। और ये जो 2.7% है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अब देखिए 100 यूनिट में से केवल 2.7 यूनिट अलवणीय है, अलवणीय जो 2.7 है उनमें से भी 70% भाग बर्फ चादर हिमानी में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बहुत बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है, और ये भौम जल नदी झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल के जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। अब जरा सोचिए कितना जल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कि इतना जल होने के बावजूद भी कितना कम उपयोगी जल हमारे पास है। देखिए एक जानकारी दी है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आप सोच लीजिए, आप कभी छोड़िएगा नहीं ऐसे खुली हुई टोटी। आगे हम बढ़ते हैं, इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, और पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही ये घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, यानी कि बहुत ज्यादा लगता है कि है हमारे पास जल। ऐसा होता क्यों है, ये वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। यानी कि वहां से महासागर से वाष्प बनकर उठा, वहां से
वर्षण हुआ, वर्षण से फिर पृथ्वी पर गिरा और यहां से नदियों के द्वारा फिर से महासागर में पहुंच गया। तो इसी को हम जल चक्र बोलते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पानी पीने में बल्कि धुलाई में भी करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी, उद्योगों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जल कृषि उद्योग को बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से ये देखिए, जो भी हमारा जल है इसका भी हम कितना ज्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि ये बहुत, इसका भविष्य जो है ये बहुत गंभीर है। और जो अब तो जल प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है ना। देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि आपने जल बाजार के बारे में सुना है, तो ये कह रहे हैं कि सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली, ये गांव है अमरेली शहर के पास के तालकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतया निर्भर है, तो यहाँ पे जल बाजार लगता है। जल की उपलब्धता की समस्याएं क्या है? तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। तो ये कमी देखिए अब जल की कहाँ कहाँ है, तो अधिकांश अफ्रीकी, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की सामना, कमी का सामना कर रहे हैं। अब ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। देखिए सूखा पड़ने वाले क्षेत्र हैं, इसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अतः अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्र हैं, लेकिन उससे बड़ी समस्या देखिए ये है कि जो जल है भी वो भी सही नहीं रह गया है, वो प्रदूषित होता चला जा रहा है। अब बात आती है कि इसका हम संरक्षण कैसे करें। तो शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है और इस क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग प्रदूषण और प्रदूषण इसे उपयोग के अनुपयुक्त बना देते हैं। तो ये नवीकरणीय होने के बावजूद भी ये कोई मतलब इसका नहीं रह जाता, ये अनवीकरणीय हो जाता है। भाई अब कोई गंदा जल तो उपयोग करेगा नहीं, अब आपने उसको उपयोग करके गंदा कर दिया तो वो अगले के उपयोग के लायक नहीं रह गया ना। तो औद्योगिक बहिश्राव, वाहित मल, कृषि रसायन विसर्जन, तो ये सारी चीजें इसको प्रदूषित करती हैं और इसमें नाइट्रेट धातुएं पीड़क नाशी जल को प्रदूषित कर देती हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नवीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और जब मानव शरीर में पहुंचेंगे तो बहुत सारी ये व्याधियां उत्पन्न करेंगे। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। यानी कि अगर वन लगा दिया जाए और वनस्पति आवरण हो तो इससे क्या होगा, भूमिगत जल का पुनर्भरण बार बार हो जाता है, फिर से भूमिगत जल उपलब्ध हो सकता है हमको। लेकिन हो एक तरफ हम जल की समस्या से परेशान भी है, दूसरी तरफ हम वनों का कटाव भी करते चले जा रहे हैं। जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है, देखिए ये दिया है, और जल रिसाव को कम करने के लिए नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। और रिसाव भी बहुत बड़ी समस्या है, जितना हम उपयोग नहीं करते उससे ज्यादा रिसाव हो जाता है इसका, ठीक है। और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की छत को रोकने के लिए खेत को स्प्रिंकल सिंचाई अपनाना चाहिए हम लोगों को। स्प्रिंकल सिंचाई में यानी कि फुहारे से ऐसे सिंचाई हो रही है, ये देखिए स्प्रिंकल सिंचाई ये होती है, इसमें ये नोजल लगी हुई है और इससे समझ लीजिए पानी बरसात हो रही है जल की, है ना, ऐसा ये सिंचाई होती है, तो इससे बर्बादी कम होती है जल की, यानी इधर उधर ऐसे बहता नहीं है। और बहुत सारे टपकन सिंचाई का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन। तो ये आप कुछ दिया हुआ है, इसको स्कूल के बच्चे हाथ से प्रदर्शनी में घूम रहे थे, इसको आप पढ़िएगा। ये देखिए दिया है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एक विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा अगर हो रही है तो 8,000 लीटर जल बचाने के लिए ये काफी है। देखिए इतनी बढ़िया बात दी है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। यहां से देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन देखा जाए तो केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये अगर स्थल मंडल है और ये यहाँ पे एक हम दूसरा ले लेते हैं ये, और ऐसे कर लेते हैं और एक तीसरा ले लेते हैं ये, और इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं।
ये जो तीनों का सकरा क्षेत्र है, यानी कि तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, 1 मिनट की सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे पाए जाते हैं, यानी कि ये एरिया जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जैवंड। ये तीनों तीनों यहाँ पे काट रहे हैं ना, तो प्राकृतिक वनस्पत और वन्य जीवन केवल ऐसा यहीं पे पाए जाते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, और इस जीवन आधारित तंत्र को ही क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। इसी जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पौधे करते हैं। और रक्षक मेखला के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं कि भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं हमें फल, लेटेक्स, तारपीन तेल, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि इससे मिलता है। यहाँ पे देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफिनेक, एस्प्रिन तथा इब्रुफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे मर रहे हैं। और पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी, ये पशु हमें प्रकृति से ही, तो प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त होती है। ये किंगफिशर है, विजय माल्या वाला है ना, किलकिला इसको बोलते हैं। ऐसे घास स्थल देखो दिखाया गया है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण इंपॉर्टेंट है, तो चार वर्ग में रखना है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी, वृक्षों का आकार क्या होगा और उनकी सघनता कम होती जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के, यानी कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, वहां बड़े वृक्ष मिलेंगे। जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा, छोटे आकार के वृक्ष पाए जाएंगे। विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है ना, जहाँ पे कम ऐसा सामान्य वर्षा होती है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ गहरी होती है, क्योंकि गहरी क्यों होती है, क्योंकि वो नीचे से नमी को सोख सके। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां क्या होती हैं, कांटेदार। अब सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कांटेदार पत्तियां क्यों होती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए ऐसा होता है। और मोमी सतह होती है, ये दोनों चीजें, कांटेदार पत्तियां और मोमी सतह पूछी जाती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन पाया जाता है। तो मांस और लाइकेन कहाँ पाया जाएगा, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है एक एक, तो ये जिन क्षेत्रों की जो वनस्पति है उसको नोट कर लीजिए। वनों को अपनी पत्तियां गिराने के आधार पर सदाहरित और पर्णपाती वन के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं। सदाहरित वन उन्हें कहते हैं जिनमें वनों में वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, किसी एक ऋतु, ऐसा नहीं कि एक साथ गिरा के उसको खत्म कर दें। और पर्णपाती वन ऐसे होते हैं जिनके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली अपनी हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु विशेष में क्या होते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। और ये वन विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय अथवा शीतोष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाते हैं। आप पिछली कक्षा में विभिन्न दिया है कि वन उनके वितरण के पढ़े थे, तो याद करिए, पढ़ा था आपने। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या पोषण के लिए फसलों को उगाने, विशाल वनों के क्षेत्रों को काट दिया गया है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। अब प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन का संरक्षण, ठीक है। जैसे ये देखिए, इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सुनामी के बाद कैसे क्या हो जाता है। ये अंडमान निकोबार का, ये ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है, वर्षा प्रचुर वन में ये क्षति हो गई है, ठीक है, बहुत हानियां हुई थी। तो आगे हम देखते हैं कि मुख्य चिंताओं में से एक है अनधिकार शिकार पर शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। और ये पशु क्यों मारे जाते हैं, इसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और उनके गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का
अनधिकार शिकार किया गया है हाल के दिनों में। जैसे ब्लैक बैक को सुरक्षा की आवश्यकता है, इसको मार दिया जाता है इसकी सींग के लिए, इसकी खाल के लिए, ठीक है। और कुछ जंतु हैं जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, ब्लैक बक है, मच्छर, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, सॉरी मच्छर को ऐसे कोई शिकार नहीं करता है, दरियाई घोड़ा हमारा शिकार करते हैं मच्छर, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनकी संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है इनका संरक्षण। अब संरक्षण किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाए? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैवमंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। देखिए, इसमें दिया वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया एक प्राकृतिक क्षेत्र है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अनेक क्रियाकलापों के द्वारा, तो ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत से देशों ने कानून बना दिया है कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना गैर कानूनी है। जैसे भारत में शेर, चीता, हिरण, भारतीय सारंग, मोर के मारने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो CITES की स्थापना की गई, कि जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। और ये जो क्या करता है, साइट्स इसको बोलते हैं, साइट्स है ना, CITES, ये साइट्स है ना। और पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य होगा, ऐसे कहा। जैसे ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, तो काजीरंगा ऐसे पूछ लिया जाएगा यहाँ क्या पाया जाता है, तो ये हाथी के लिए मशहूर है। अब एक शब्द है जैवमंडल नीचे है, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो साइट है, देखिए, ये संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिपाटी, इसको हिंदी में कहते हैं, आप साइट याद रखिएगा, सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, सरकारों के बीच, और इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों, पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। और मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है इसके, ठीक है। इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ, थोड़ा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आप इसमें परिभाषाएं नोट कर लीजिएगा और चीजें देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे द हिंदू अभी अपलोड होगा।